बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 नवंबर 2021 है। आज फॉरेन फंडिंग का जो केस है उसको 7 साल आज पूरे हो गए, और ये फॉरेन फंडिंग का केस जो है ये पिछले 7 सालों में ये इस बात की जिंदा मिसाल है कि जो मुकद्दस गाय होती है उसको कैसे बचाया जाता है। वो खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में भी जिक्र किया था कि यहाँ कोई मुकद्दस गाय नहीं है, तो ये केस उसका मुंह बोलता सबूत है कि कैसे मुकद्दस गाय को बचाया जाता है एहतसाब से और इंसाफ के कटहरे में लाने से। क्योंकि 7 सालों में 150 हमने पेशियां की हैं, उसमें आप स्क्रूटनी कमेटी और इलेक्शन कमीशन की मिला के। इमरान खान ने तकरीबन 7 रिट पिटिशन किए हैं हाईकोर्ट में एहतसाब से भागने के लिए। अभी भी एक केस सुप्रीम कोर्ट में रेड पिटिशन की मौजूद है कि वो किसी तरह से इस केस से बच सके। तो 7 साल हो गए हैं ये मुकद्दस गाय जो है इसको बचाया जा रहा है, और उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा ये है कि आज मुल्क के जो हालात हैं, जो हमारी मीशत है, वो अब डूबने के किनारे नहीं है, ये याद रखें, वो डूब चुकी है। आज हम इकोनॉमिक फ्री फॉल में है, और इस तबाही कहाँ जाके रुकती है इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। क्योंकि जब चंद लोगों की सलामती को कौमी सलामती के ऊपर हावी कर दिया जाए तो फिर कौमी सलामती दाव पे लग जाती है, जैसा कि आज है। और मैं इसकी भी बड़ी तफसील से पिछले कई सालों में कई व्लॉग में निशानदेही भी कर चुका हूँ कि कैसे पाकिस्तान के घुटने टिकवाए जा रहे हैं। आज भी इस बात का वक्त है कि हम सबको इकट्ठा होना चाहिए, हमें इस बात का तय करना चाहिए कि कितना जल्दी हम इस जिस गिरावट है इससे अपने आप को रोकें, बचें, एक मजबूत एक फाल हुकूमत और ऐसे लोगों पे जो कॉम्पिटेंस रखते हैं, जो सलाहियत रखते हैं, जो मुल्क की मीशत को संभाल सके और पाकिस्तान का काबा किबला दोबारा सही कर सके। ये है आज की वक्त की जरूरत, इस तरफ हमें सोचना चाहिए। ये फॉरेन फंडिंग केस आज भी पेंडिंग है, आज भी इंतजार कर रहा है इंसाफ का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद 10 अक्टूबर 2019 को ये फैसले में लिखा कि हिस्टोरिक अब्यूज ऑफ लॉ हुआ, यानी तारीखी ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। किसने किए? इमरान खान ने किए, इंसाफ से भागने के लिए। आखिरी जो पेशी थी इलेक्शन कमीशन में वो 6 अप्रैल 2021 को थी। 14 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया, स्क्रूटनी कमेटी को कहा कि मई के आखिर से पहले अपनी रिपोर्ट तश्कील करें। अभी तक हमें कुछ पता नहीं है कि क्या रिपोर्ट बनी है नहीं बनी है। 14 अप्रैल के ऑर्डर में इलेक्शन कमीशन ने हमें 8 दिन दिए कि आप उनके जो दस्तावेजात हैं जो गैर तस्दीक शुदा थे उसका आप जायजा ले 2 ऑडिटर्स के जरिए। हमने 2 फाइनेंशियल एनालिस्ट की 100-पेज रिपोर्ट जुलाई 13 इस साल जमा कराई, जिसमें ये तमाम हकायक सामने आए कि 2.2 अरब रुपए की गैर कानूनी फंडिंग हुई है, जिसमें ये चीज सामने आई कि 9 अकाउंट्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिसमें इमरान खान शामिल है उनको छुपाया गया, जिसमें पोशीदा खुफिया अकाउंट्स और जाहिर हुए, जिसमें ये तमाम तफसीलात। अभी तक 6 अप्रैल से आज तक कोई पेशी नहीं हुई इलेक्शन कमीशन, क्यों नहीं? अभी तक इस केस को रोजाना की बुनियाद पर क्यों नहीं सुना गया? अगर सुना जाता, अगर इस केस का बरवक्त फैसला होता तो आज हमारे ये हालात ना होते, आज हमारे पास एक बेहतर क्यादत होती। इस केस का मकसद ही यही था कि सियासी जमात को ऐसे लोगों से साफ किया जाए, बेहतर क्यादत सामने आए। पीटीआई से शुरू करना था हमने ये काम, ताकि फिर ये दूसरी सियासी जमातों की मजबूरी बनती। फैसले की घड़ी हमारे करीब है, हमने इस मुल्क का काबा किबला को दुरुस्त करना है, और अब शायद हमारे पास ज्यादा वक्त भी ना। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।